नमस्कार दोस्तों दोस्तों गुजरात से एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है, साथ में एक लंबा चौड़ा व्हाट्सएप मैसेज भी है। प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें करो गुरुजी। पूजा रूम का साइज 7x6 है, लंबाई 7, चौड़ाई 6 फिट है। गुरुजी पूजा रूम ईशान कोण में है, ईशान कोण जोन में है। गुरुजी तो मैंने पूर्व दिशा की लॉबी बनाता हूँ, तो लॉबी को ऊंचा रखूँ? लॉबी साइज 7 फिट बाय 13 फिट चौड़ाई है, 7 फिट बाय 23 फिट चौड़ाई है। और लॉबी में और पूजा रूम के बगल में मटका पनहारी का रखता हूँ, और लॉबी की अग्नि खुने में सीढ़ी छत पे चढ़ने की रखता हूँ। देखिए अपन इनका काफ़ी लंबा तो एक एक प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और हाथ का जवाब देना चाहूँगा मैं इनको। इनका जो है घर 34x36 का है, 36 न्यू और 34 न्यू है, ठीक है ना। पूर्व मुखी घर है इनका। इनने जो बताया यहाँ पर जो है बारिश का पानी निकलने, 2 फिट की जगह है इसमें बारिश का पानी निकलता है। इसमें यहाँ पर दक्षिण किसी दूसरे का मकान है, इधर 4 फिट की दूरी पर दूसरे का कॉमन पैसेज है, इधर भी किसी का मकान है, गांव में है ये घर। यहाँ पर 15 फिट का रोड है, यहाँ पर पश्चिम में या दूसरे का मकान है पश्चिम 15 फिट के बाद, और यहाँ पर जो 6 फिट का रास्ता है, फिर किसी का मकान आ गया, ये भी रास्ता है। अब जो इन्होंने लिख, पहले यहाँ की बात करते, पूर्व में इन्होंने बोला ये पूजा रूम बना रहे हैं और ये बना रहे हैं यहाँ पर पनिहारी पानी रखने का, तो अच्छी बात है, पर इसको ऊंचा बिल्कुल नहीं रखना है। कोशिश करना, मतलब कोशिश क्या, ये पूर्व दिशा है तो सड़क से घर ऊंचा होगा, और इस आंगन से ये आंगन इस घर से नीचा रहना चाहिए, 4-6 इंच एक स्टेप आ जाए अच्छी बात है, यदि पॉसिबल हो तो बराबर रखें पर नीचा रहेगा तो अच्छी बात है। एक पूजा रूम को बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है, इस लॉबी के लेवल के बराबर रखना है, और लॉबी को ऊंचा नहीं करना है, नहीं तो ईशान कोण ऊंचा हो गया तो बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, बहुत समस्याएं आएंगी। तो पूरा फ्लोर लेवल बराबर रखना है, ये पूरा का पूरा आंगन जो है ये यदि थोड़ा नीचा रहता 4-6 इंच तो अच्छी बात है। एक फिर आती बात, ये तो हो ये बात कि पूजा रूम भी जो है मतलब यानी कि बराबर रखना है, और पूरी छत होगी मैं समझता हूँ निश्चित रूप से। इसमें इन्होंने जीना बनाया, हो सकता है जीना न्यू जा रहा हो, गलत है, जीना इनको होना चाहिए या जीना बन सकता है, पर जीना न्यू बन के न्यू आके न्यू ऊपर जाए, यानी यहाँ से न्यू स्टार्ट हो जीना, फिर न्यू आए और फिर न्यू आके न्यू आ गया और ये बाहर आ जाए, ये तरीका सही रहेगा, जीना न्यू बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, जीना न्यू बनेगा। एक दूसरा इनका ये जो है 7 फिट है यदि, तो इसको इनको 6 फिट कर लेना चाहिए, 6 फिट साइज अच्छा होता है, शुभ होता है, ठीक है ना। अलग अलग आकार जो साइज होते हैं कमरों के उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर मेरा पूरा डिटेल वीडियो है, आप वो देख लीजिए आकार वास्तु के नाम पर। अब आते हैं इसके बाद, अब लिखते हैं वो आगे, लॉबी नीचे बराबर रखना है। दो बैठक रूम 9-13, रसोई मां अन्नपूर्णा 8-10, बेडरूम 9-20, स्टोर रूम अनाज रखने का 8-10, बाथरूम नहाने का 4x6, टॉयलेट 4x4, बेडरूम है 9x13। देखिए जी, अब ये रसोई है तो ये जो ये जो है 10 फिट का इन्होंने रखा है और 8 फिट चौड़ी है ये, और इनका प्लाट है ये 36, तो 9x6 यूँ रख सकते हैं 10। एक तो ये इसको 6 कर दे तो ये थोड़ा रूम बड़ा कर ले, और ये इसको भी 8 फिट रखे ये सही है, ये भी 8 फिट सही है, और यदि इसको 8 फिट कर लें तो बहुत अच्छा होगा, इसको भी 8 फिट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ये चल जाएगा। अच्छा ये जो 13 फिट है, मैं 8 फिट इसलिए चाहता हूँ कि 13 फिट साइज शुभ नहीं है, 9 भी शुभ नहीं है, तो अब इनको कितनी जगह है मालूम नहीं, तो ये यदि 8-8 कर लेंगे तो इस रूम को 11 फिट कर लें, 11 फिट साइज शुभ होता है, 9 और 13 दोनों साइज शुभ नहीं है, ठीक है ना। तो इनको 8-8 कर लें, फिर ये 3 फिट की जगह मिलेगी तो 11 फिट पर ये बेडरूम आ जाएगा, तो ये बेडरूम ठीक हो जाएगा इससे। इसके बाद आप आइए टॉयलेट बाथरूम, ठीक है साइज, और टॉयलेट बाथरूम यह बन सकता है, पर सवाल यह आता है इन्हें सेप्टिक टैंक का बनाया, कोई सेप्टिक टैंक का जिक्र नहीं है, और गांव है तो निश्चित सेप्टिक टैंक ही बना होगा। यदि इसके नीचे सेप्टिक टैंक बनाए तो ये सही नहीं है, इसके कारण पुरुषों को आर्थिक कष्ट आता है, अकारण शत्रुता रहती है,
कोर्ट कचहरी हो जाती है। तो ये ध्यान रख, टॉयलेट बाथरूम जहाँ बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर होगा बाथरूम इधर कर लें, टॉयलेट इधर कर लें, ठीक है ना। और इधर करने के बाद इसका सेप्टिक टैंक यहाँ तो यहाँ बनाए, यदि 6 फिट की जगह है तो यहाँ बना ले, सबसे अच्छा है मध्य उत्तर में बना ले, 6 फिट की जगह है वहाँ बना ले पॉसिबल है तो, ये सबसे अच्छी जगह है। और इसके बाद आप आ जाइए, ये पैसे रखा है ठीक है, ये रास्ता रखा है ये भी सही रख सकते हैं, ये दरवाज़ा सही है, ये दरवाज़ा ठीक है, ये दरवाज़ा ठीक है, ये एंट्री भी ठीक है ना बैठक के लिए, ये एंट्री भी ठीक है, ये बेडरूम तो इसको जब 1 फिट करेंगे तो ये, या फिर 9 फिट का ड्राइंग बैठक रूम हो रहा है तो ये 6 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो इसका साइज़ भी ठीक हो जाएगा। और इधर जो है ये 13 है तो इधर गुंजाइश 10 बाय 16 कर लें, तो इधर से इनको 2 फिट मिल रहे हैं, 1 फिट और बढ़ जाएंगे तो 16 कर लें इसको, तो 10 बाय 16 बहुत अच्छा साइज हो जाएगा, वास्तुकूल साइज हो जाएगा। इसको 10 बाय 20 कर लें बहुत अच्छा साइज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सही है इस तरीके से। अच्छा और पढ़ लें इसमें क्या लिखा है, साउथ में पड़ोसी का मकान है, पानी की गली रखी है 2 फिट की, तो बता ही दिया। हाँ ये ध्यान रखें, यहाँ पर इनको चाहिए कि यहाँ किसी का रास्ता ना रखें, यानी ये बिल्कुल पैक हो यहाँ से, यानी बरामदा भी पैक हो, यहाँ भी बरामदा भी पैक हो, ये लॉबी जो पैक हो जाए, ये रास्ता ठीक है 4 फिट का, ताकि दक्षिण में जो गड्ढा होगा कोई बरसात का पानी निकलने की जगह, तो गड्ढा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी प्रकार का दरवाजा नहीं, खिड़की दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 4 फुट में कॉमन है, पश्चिम में 15 फुट का रास्ता है, उत्तर में 6 फिट का रास्ता है। गुरु जी में पूजा रूम का स्थान ऊंचा रखूं या लॉबी के लेवल पर रखूं, तो इसको भाई लॉबी के लेवल पर ही रखना है, या घर के लेवल पर रखूं, नहीं घर का लेवल तो लॉबी के लेवल से ऊंचा होना चाहिए जैसे मैंने बताया। टॉयलेट बाथरूम मेन गेट दरवाज़ा सही जगह है, कृपया कृपया करके बताओ गुरु जी। तो देखिए एक बात है, टॉयलेट बाथरूम का फ्लोर लेवल भी बराबर रखना है, इसको भी जो है नीचा नहीं करना है या ऊंचा नहीं करना है, इसका पानी बह के बाहर आए ना आए उसके लिए इनके दरवाजे पर, इसका दरवाज़ा यहाँ, इसका दरवाज़ा यहाँ आएगा, इसका दरवाज़ा यहाँ आएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व यहाँ है, और यहाँ पर जो है राइजर लगा दे, पत्थर की पट्टी लगा दे ताकि पानी बह के बाहर ना आए, ठीक। एक और पत्र इसके साथ इनका, गुरु जी प्रणाम, गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या है, हफ्ते में एक बार पानी आता है, तो गुरु जी हम अलग से पानी का पीने के पानी का स्थान रखते हैं, तो कृपा करके गुरु जी मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि हमारी पास 2 पानी की टंकी हैं, एक सिंटेक्स टंकी पीने वाले की और दूसरी टंकी सिंटेक्स की नहाने और कपड़ा धोने के लिए रखते हैं, तो हम एक टंकी नीचे रखते हैं क्योंकि गर्मी में ऊपर रखने पर पानी गर्म होता है, पीने की टंकी कहाँ पर रखें, 500 लीटर की है, और 1000 लीटर की टैंक छत पर ऊपर कौन सी जगह पर रखें हमें बताओ गुरु जी। हम गुजराती हैं इसलिए हम हिंदी अच्छी लिखना नहीं आता, कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करना, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरु जी। देखिए जी पानी की टंकी का इनको रखना है, तो एक तो बिल्कुल यहाँ नहीं रखें, अग्नि कोण में ध्यान रखें, छत पर तो पानी टंकी यहाँ रखना चाहिए इनको, यहाँ पर छत पर, ठीक है ना, और छत पर रखना चाहिए यहाँ पर, और नहीं तो ये कॉमन, अब ये पूरी छत डली होगी तो यहाँ रख लें, और नहीं तो यदि इनको लगता है तो यहाँ भी रख सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर, और बेस्ट यहाँ पर है। एक जमीन के अंदर पानी की जो टंकी रखना है वो इनको चाहिए कि, अब ये कहाँ रख सकते हैं, इधर तो नहीं रखना, कोई इधर वजन नहीं देना है, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा तो ये होगा इनके लिए, थोड़ा खर्चे वाला काम है, जमीन में अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए ईंटों का सीमेंट का ना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए और उसमें वो जो पानी आता है उसमें इकट्ठा करें पॉसिबल हो तो, भले और उसमें इकट्ठा करके और उससे पंप करें, तो यहाँ पर जो टैंक बनेगा पूर्व दिशा में यहाँ पर, उससे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधर जाएगी। एक और यदि दिक्कत ना हो तो इनको चाहिए कि ये बजाय इसको इसको खाली कर दे, ये ईशान कोने पूजा रूम ना बनाते हुए यदि ड्राइंग रूम के इसमें, यानी इसको हटा दें, इसको पूरी लॉबी कर दें, पूरा मटका जो रखना है तो रखना यहीं परे पर, इसको यहाँ रखें मटके को, यहाँ नहीं रखें, यहाँ मटके को रखें, ठीक है ना, और यहाँ पर पूजा रूम बना दें, यहाँ पर इस कमरे में डाइनिंग रूम के अंदर यहाँ पर इससे रहे, तो उससे ये रहेगा कि घर के लोग बुद्धिमान होंगे, बच्चे पढ़ने में अच्छे रहेंगे, तो ये यहाँ बना दें,
ठीक है, तो ये पूरा खाली हो जाएगा, ईशान कोण हल्का हो जाएगा, मटका यहाँ पर रख दें, ठीक है ना। और पानी के लिए तो बेडरूम बेडरूम, अब जब पानी की टंकी, फिर पानी की टंकी भी रास्ता कैसे क्या है, यहाँ रख सकते हो, वजन आ जाएगा ना एकदम, जमीन के ऊपर रखना है तो यहाँ छत पे तो यहाँ रख दिया, अब नीचे भी इनको यहाँ रख दें या यहाँ कहाँ जगह वो देख लें, यहाँ भी रख सकते हैं मौका है, नहीं तो यहाँ रख सके इनका कोई, यदि ये रास्ता यूज कर रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, ठीक है ना। और एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ बना ले तो बहुत अच्छी बात है कि वो पानी इसमें आ जाए और यहाँ से फिर ये जो है ऊपर पंप कर दें, तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। इस तरीके से करें तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।